नाउ so स्टूडेंट्स अभी तक हमने uh, दो पेमेंट गेटवेज देखे हैं uh, एक हमने इजी पैसा का देखा जो और Telenor, जो कंपनी है उसका बैकअप था यानी उसका फंडेड था कह लें फंडेड से मुराद है कि वो इसके uh, इसके इसके बैकबोन पे काम कर रहे हैं एंड द सेकंड वन इज जैस कैश जो सिमिलर चीज़ है जैस uh, कैश में और इजी पैसा में वो ये है कि ये दोनों कंपनीज बैंक नहीं है यानी हमें ये पता है कि टेलनोर इज टेलको वो सेलर प्रोवाइड डाटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं दीज आर नॉट बैंक और जो मोबाइल लिंक है वो भी बैंक नहीं है वो बेसिकली बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय बाय टॉकिंग टू सम बैंक लेकिन खुद बैंक नहीं है अब जो एच है अब हमें पता है एच पी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान अब एच का जो इंटरनेट पेमेंट गेटवे है ये इट वॉज वन ऑफ द इंटरनेट पेमेंट जो किसी बैंक ने खुद प्रोवाइड किया फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी इससे मुराद ये है कि आजकल एच के अलावा भी और बहुत सारे बैंक आ, आ, जो इंटरनेट पेमेंट गेटवे की सर्विस हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली हम हर बैंक को अब सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होता है तो आई वो जस्ट थिंकिंग हम एक डायरेक्ट जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम डिस्कस कर लें तो यू विल हैव एन आइडिया ये अगर जब बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांसफर की या ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन की वो कैसे काम करती है वर्सेस कोई अगर थर्ड पार्टी या कोई टेलको प्रोवाइड करती है तो एच क्योंकि खुद बैंक है और एच की सर्विस बिल्कुल वैसे ही काम करती है फ्रॉम द वेंडर व्यू पॉइंट यानी फॉर एग्जांपल अगर वेंडर ने एच का आईपीजी यूज करना है तो वो उसी तरीके से एप्लीकेशन देगा उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड सो so ऑन फर्क सिर्फ ये होगा कि अनलाइक इजी पैसा या जैस कैश यू आर नॉट टॉकिंग टू थर्ड पार्टी यू आर टॉकिंग टू द सर्विस विच इज ऑफर्ड जो बैंक है वो खुद आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसका इसका जरा मतलब आप लोगों को समझना है जैस कैश का जब हमने फॉर्म देखा था तो उसमें एक फील्ड थी कि टोटल एंड यूजर की अमाउंट या वॉट इज द ट्रांजेक्शन साइज यू आर एक्सपेक्टिंग तो उसकी एक बहुत बड़ी बिजनेस नीड थी वो नीड ये थी कि अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट ही बहुत थोड़ी है तो जो जैज कैश है उसको बिजनेस व्यू पॉइंट से ये ही नहीं है आपको अपना ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना रीजन जिससे मैंने आपको बताया कि जो टेलिनॉर या जैस कैश वाले हैं ये बैंक नहीं है इन्होंने भी अपना सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे किसी को आउटसोर्स किया हुआ है यानी फॉर एग्जाम्पल जैस कैश वालों ने सिस्टम लिमिटेड कराची को आउटसोर्स किया हुआ तो दे आर पेइंग दैम तो अगर ये आपसे यानी एज अ वेंडर अर्न ही नहीं कर रहे अर्न ही उतना नहीं कर रहे कि आगे पे कर सके तो दे विल नॉट ऑफर यू दैट सर्विस तो क्योंकि ये एज अ थर्ड ये खुद एक थर्ड पार्टी है एक्चुअली ये पेमेंट गेटवे के अंदर जो जैस कैश है वो खुद एक थर्ड पार्टी है बैंक का फायदा ये है कि क्योंकि एच खुद एक बैंक है तो इनकी जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है या जो ट्रांजेक्शन फीस है वो हम अभी आगे जाके देखते हैं आई विल गिव यू द कंपेरिजन वो सबसे कम है यानी अगर आप इजी देखें इजी पैसा ने भी आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर पैसे काटने हैं जैस कैश वालों ने भी ट्रांजेक्शन के ऊपर पैसे काटने हैं इट डिपेंड कि वो वेंडर से पैसे डिडक्ट करें या जो जो कस्टमर है उससे करें लेकिन ट्रांजेक्शन फीस उन्होंने काटनी है क्योंकि उनका ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आर नॉट गिविंग यू दिस सर्विस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी आई मीन वो उनका बिजनेस चाहिए लेकिन वो फीस ज्यादा होगी उस फीस से जो एच बी एल वाले आपसे आपसे चार्ज करेंगे बहुत सिंपल रीजन है कि एच बी एल इज नॉट थर्ड पार्टी यानी आप डायरेक्टली अब आप बैंक से बात कर रहे हैं इजी पैसा और जैस कैश के के केस में आप इजी पैसा से बात करते थे यानी वेंडर इजी पैसा बात करता था किसी बैंक से जब ये कम्युनिकेशन हो रही है तो इट कॉस्ट उसके पैसे लगते हैं तो जब आप बीच में से थर्ड पार्टी को निकाल देंगे या मिडिल मैन को निकाल देंगे तो अब आप फॉर एग्जाम्पल दराज और पी के अब डायरेक्ट बात कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इजी पैसा से नहीं कर रहा बैंक से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन uh, जो ओवर है वो कम है तो इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन टू लेसर ट्रांजेक्शन फीस तो दिस इज हाउ एनी बैंक supported IPG work.